हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 3.2। एंड एक्सरसाइज 3.2 में जो है दो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, वो है मोड एंड मीडियम। ठीक है, मीन वैल्यूज़ और लास्ट में हम पढ़ चुके थे रेंज और मीन लास्ट एक्सरसाइज 3.21 में। सो आज हम बढ़ते हैं मोड और मीडियन की ओर। मोड और मीडियन के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट बताती हूँ, इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन करवाती हूँ। जिसकी मोड मोड क्या होता है, तो मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द ऑब्जर्वेशंस दैट अकर मोस्ट ऑफन। मोड का मतलब क्या होता है, जैसे आपको गिवन डेटाज होते हैं, ठीक है, आपको डेटा दिए होंगे, उस डेटाज में सबसे ज़्यादा टाइम जो भी नंबर आता है वही जो है वो उसका क्या रहेगा, मोड होगा। ठीक है, मोड का मतलब मैक्सिमम टाइम जो रिपीटेड नंबर होता है वही होता है मोड। ठीक है, देन सेकंड है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है गिवन ऑब्जर्वेशंस जो होंगे, डेटा दिया होगा उसमें जो मिड वैल्यू होगी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिड वैल्यू होगी वही होती है मीडियन। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में माध्यिका बोलते हैं और मोड को बोलते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक यानी कि बहु मैक्सिमम टाइम जो नंबर आ रहा होता है उसी को कहते हैं मोड। एंड मीडियन जो होता है वो होता है, मीडियन इज मीड ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटास, जो गिवन डेटा हमारा होगा उसमें मैक्सिमम टाइम पे जो मीड वैल्यू होगी दैट अरेंज्ड इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उन डेटास को सबसे पहले, यही इसमें मेन है याद रखने के लिए, कि उस डेटास को पहले हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो उसमें बीच वाले वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको कुछ डेटास दिए गए हैं। ठीक है, इस डेटास में आपको क्या बताना है, दो वैल्यू बतानी है मीडियन और मोड की। ठीक है, मीडियन क्या होगा इसमें और मोड क्या होगा, दो बातें आपको बतानी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फर्स्ट जो हमारा जो डेटास दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेप होता है कि इन सभी डेटास को क्या करें, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले इनमें से सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, इस तरह से इसको अरेंज करते चलते, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो, नो डाउट, ज़रूरी नहीं है कि आप असेंडिंग में ही करो, डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद जो मीडियन, मैंने आपको ऊपर बताया कि मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इनमें से जो बीच वाली वैल्यू होती है, बीच वाली वैल्यू वही क्या होती है, मीडियन होता है। तो हमारे पास ये 15 जो है ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, 15 है, तो 15 का हाफ कौन सा होगा, 7 इस साइड और 7 इस साइड छोड़ देंगे तो बीच वाला नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ तक का 7 साइड 7 साइड, यानी कि बीच वाले जो वैल्यू है वो हमारी 20। तो इस तरह से जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आता है मोड। मोड क्या होता है, मोड को हम क्या बताया था कि जो मैक्सिमम टाइम नंबर रिपीटेड होता है वही होता है मोड। तो इसमें ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर आया हुआ है, सबसे ज़्यादा टाइम 20 है। क्या है, 20 है, 20 20 कितने टाइम है, 1 2 3 4 4 टाइम है, और कोई भी नंबर इतने नहीं है जितने कि 20 है, 24 टाइम है। देन इसी तरह से हमारा मोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। ठीक है, देन इसके बाद पूछा था कि क्या मीडियन और मोड दोनों सेम है, यस बोथ आर सेम, क्योंकि 20 है मीडियन और 20 है मोड, तो बोथ आर सेम। ठीक है, सो ये रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दिया गया है, रन्स स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज फॉलो। ये सारे डेटा दिए गए हैं, ये डेटा किसके हैं, क्रिकेट मैच का स्कोर है सभी प्लेयर्स का। ठीक है, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 के सभी प्लेयर्स का क्या है, ये रन का स्कोर है, किसने कितना स्कोर किया है। सो इस क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों ही चीज़ें बतानी है। सो इसके लिए सबसे पहले हम यहीं पर हम कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा क्या, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, सो हमने सभी डेटाज को क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं मीन। मीन को हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या था, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी हमारा डेटा दिया गया है उन सभी का सम करेंगे, देन अपॉन जो भी कितना सम दिया गया, कितने नंबर्स का सम दिया गया है। तो नंबर कितने हैं, टोटल प्लेयर कितने हैं, 11 है, तो 11 का हम इसे डिवाइड कर देंगे। देन इसका सम करते हैं, 429 आता है, 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 39 आता है। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, मीन वैल्यू हम निकाल चुके, अब क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए क्या क्या था, हमने जो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे
इसके लिए क्या चाहिए, जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स को अरेंज किया था उसमें मिड वैल्यू कौन सी है, मिड वैल्यू मतलब 11 प्लेयर है तो 11 का हाफ इनके 5 ही साइड छोड़ो, 5 ही साइड इनके बीच वाली वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड 5, इनके इस वाले ये वाली वैल्यू होगी हमारी मिड वैल्यू होगी, ठीक है। 5 ही साइड डेटा है तो 5 5 इनके बीच में कौन सी है 15, इट मीन्स कि हमारा जो 15 है वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इसके बाद अब क्या बताना है, मोड, मोड यानी कि मैक्सिमम टाइम नंबर कौन सा रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर रिपीट दिख रहा है हमें, 15 ही दिख रहा है, 3 टाइम है, ठीक है, 15 15 15 3 टाइम है, तो इस तरह से हमारा मोड है वो भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब लास्ट में पूछा था क्या ये तीनों नंबर, तीनों मतलब मीन मीडियन और मोड तीनों ही सेम है क्या, देखिए मीन वैल्यू हमने निकाले थे 39, मीडियन था हमारा 15 और मोड भी 15, ठीक है, मीडियन और मोड है वो 15 15 है, सेम है, बट मीन है वो क्या है 39 है, बट इसमें हम क्या देंगे इसका आंसर, नो दिस 3 आर नॉट सेम, 3 यानी कि मीन मीडियन और मोड तीनों सेम नहीं है, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट दिया गया है, ठीक है, वेट है 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है। अब आपको बताना है इसमें क्या, दो चीज़ें बतानी है, मीडियन और मोड। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम सभी डेटाज को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारा जो मीडियन आता है वो कितना आ जाता है, 40 40। कैसे आया, हमें पता है कि 15 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट है, तो 7 ही साइड हो जाएंगे, 7 ही साइड छोड़ेंगे तो हमारा बीच वाली जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 40 आती है, ठीक है, तो जो 40 है वो क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। इसी तरह से मोड है, क्या मोड, मोड के लिए हम क्या करेंगे, मोड के लिए हमें मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर देखना है, तो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर कौन सा है, हमें दिख रहा है कि 38 और 43, तीन दोनों नंबर ही 3 3 टाइम क्या है, रिपीट हो चुके हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या, किसी एक को चूज नहीं कर सकते कि 38 होगा या 43 होगा, नहीं, दोनों ही सेम टाइम रिपीट हैं, तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है, देन क्या करेंगे, दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, मोड वैल्यू हम मानेंगे इनको, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोड, क्योंकि 38 और 43 दो मोड होंगे। देन इसमें सेकेंड पार्ट इसका पूछा था, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड है, यस 38 एंड 43 देर आर टू मोड्स, ये था हमारा इसका सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, जो ये डेटा दिए गए हैं इस डेटा का हमें क्या निकालना है, मीडियन एंड मोड निकालना है। तो जैसे कि हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम इसको फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो, तो हम इसको करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया इन सभी डेटाज को, देन हमने निकाला है मीडियन, मीडियन हमारा क्या होता है, सभी डेटाज के बीच वाली वैल्यू है वो कौन सी है, यही होगा मीडियन, और मोड क्या होगा, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर कौन सा है, वही होगा मोड। तो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर हमें क्या दिख रहा है, 43 दिख रहा है, जो कि 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो इस तरह से हमारा जो मोड है वो हो जाएगा 14, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट है, इसके 4 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। फर्स्ट पार्ट है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा, इट मींस कि जो मोड वैल्यू हम निकालते आ रहे हैं इसके लिए हमें पता होना चाहिए मोड मीडियन मीन क्या होते हैं, तभी हम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो मोड जो है वो क्या होता है, मोड हमें पता है क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर होता है, जो हमारे गिवन डेटाज हैं वही होता है मोड। तो इसमें पूछा है कि मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, यानी कि जो हमारे गिवन डेटा होता है क्या ऑलवेज उसी में से हमारा मोड होता है, क्या उसी में होगा, बिल्कुल होगा, हम अलग से तो नहीं निकालते हैं, क्योंकि मोड क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीट नंबर कौन सा हुआ है, हम डेटाज में ही देखते हैं ये। तो इट मीन्स कि ये जो है, ये कौन सा जो स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, क्या मीन है वो भी गिवन डेटा जो हमारा होता है उसी में से होती है, गिवन डेटा में होते हैं मीन वैल्यू, नहीं, जो मीन है, मीन का फॉर्मूला हमने बताया था कि मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग आता है, जब भी हमें डेटास जो गिवन होते हैं उनका सम करते हैं बिल्कुल डिफरेंट आएगा, और इसको जितने डेटास दिए गए उसे डिवाइड करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आ सकता है, जो गिवन डेटाज हैं उनमें से आ सकता है, पर ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम इसको फॉल्स मानेंगे, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है।
ठीक है। देन द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा, तो क्या जो मीडियन होता है, जो हमारा मीडियन है जो हम निकालते हैं, मिड वैल्यू होती है मीडियन, ये याद रखना कि मीडियन जो है वो क्या होते हैं, मिड वैल्यू होती है गिवन डेटाज में। तो हाँ, ये जो इन डेटा मतलब जो गिवन डेटाज है उसी में से होती है, तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू होगी, ठीक है। देन इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है द डेटा दीज हैज़ मीन 9, क्या जो ये गिवन डेटाज दिए गए हैं इन सभी की जो मीन वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, तो इसके लिए हमें इसको करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मीन जो होता है, हमें पता है कि मीन जो होता है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हम जब इन सभी नंबर्स को जब सम करके देखते हैं तो इनका सम जो आता है वो आता है 64, देन कितने ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 8 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 8, जबकि इसमें पूछ बताया था कि जो मीन वैल्यू है वो क्या आएगी 9, इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8, इसमें दिया गया है 9, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हो गया हमारी फॉल्स। अब हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है यहीं कंप्लीट होती है, और उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।